हेलो दोस्तों, हम क्या बना रहे हैं? देखिए, हम आज हम बना रहे हैं आई वांट यू ऑल टू सिंग विद मी। इधर हम पहले से प्याज भून लिए हैं। देखिए, इसमें हम टोमेटो डाल रहे हैं। एक तो टोमेटो अच्छे से पका दिए हैं, इसको सब फ्राई करेंगे। क्वार्क्स और चिकन और सोयाबीन एक जगह में बना लेंगे। क्वार्क्स जानते हैं ना आप लोग, अदरक अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। इसमें मसाला, देखिए हम धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और चिली पाउडर और क्या बोलते हैं जीरा और गरम मसाला हम घर में बनाया हुआ है और नमक, इसको सब मिला के इसमें डाल देंगे। हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, मसाला को पकाने के लिए तो पानी चाहिए, तो मसाला जल जाएगा। मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएगी, क्योंकि हम लोग लकड़ी से बनाए हैं ना, टाइम नहीं लगेगा पकने के लिए। मेरा कसम हो गया है मसाला का। हम इसमें हम पहले से क्वास भूंजे हैं नमक डाल करके। क्वास आप लोग जानते हैं कि नहीं, पपाया को जानते होगी, पपाया जैसे लगता है दिखने में। एक क्वास हम छोटा छोटा करके गीली हो जाएगा ना, इसीलिए हम पहले से भूंज लिए हैं। ये है सोयाबीन है, हम छोटा छोटा काट के फ्राई कर लिए हैं सोयाबीन। अच्छा से इडली के लिए कोसेंगे, पानी थोड़ा डाल देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये पकने में, क्योंकि पहले से सब कुछ फ्राई करके रखे हैं, इसलिए टाइम नहीं लगेगा। देखिए मेरा पीछे में ये वाला है, ये मोस्ट कुकी का बटर में हम क्या रखे हैं, तो इसमें अचार है मेरा, ये क्या बोलते हैं, बोरुंग बोलते हैं ना हिंदी में, तो बोरुंग ना क्या बोलते हैं, बोर भी बोलते हैं इसको हम लोग का भाषा में, जेमिंग बोलते हैं। हम अचार ऐसे बोतल में भर दिया है कि यहाँ पर चूल्हा आपके पास रहेगा तो गर्म से इसको अच्छा से मतलब मिल जाएगा ना, तो धूप भी नहीं है अभी ठंडा में, इसलिए हम यहाँ रखते हैं। ऐसे रख देंगे एक हफ्ता का जैसे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। ऐसे ही रखते हैं, हम कोई भी अचार बनाए तो चूल्हा के पास ही रख देते हैं। चूल्हा के पास रखने से क्या मतलब गर्म हो जाता है, गर्म से पक जाता है मतलब अच्छा से। और अभी हम इसमें मेरा कुसाना हो गया है, इसमें हम पानी डाल देंगे। हम इसको सूखा सूखा बनाएंगे, मतलब ज़्यादा ये नहीं डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी, जैसे इसको पक जाएगा ऐसे इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, के देंगे इसे। इसके बाद 5 मिनट के बाद खुलेंगे। सब्जी क्वास का सब्जी देखिए हो गया है। अभी इसमें हम चिकन पहले से फ्राई करके रखे थे, चिकन को छोटा छोटा को काट करके और इसको मसाला देके हम फ्राई करके रखे थे,
देरी हो जाएगा, बोतल के एक साथ नहीं दिखाई आप लोगों को। आप लोग ऐसे भी बड़ा बड़ा पीस करके भी मिला सकते हो, तो ऐसे बनाते हैं पहले से सब कुछ। सोयाबीन भी फ्राई करके रख देते हैं, क्वास भी और चिकन भी। और इधर देखिए, क्वास नहीं समझते हैं ना, जैसे ऐसे पपाया है ना, पपाया जैसे क्वास भी देखने में लगता है, ऐसे होता है। चिकन हो गया है, चिकन तो पहले से फ्राई करके रखे थे, क्वास तो पक गया, नरम हो गया, गल गया है। इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे, इसको मिला के उतार देंगे, मेरा हो गया। आप लोग वैसे बनाइए और खाइए, बहुत टेस्ट लगता है। और भी हम बहुत कुछ बनाया है, तो दिखाते हैं क्या क्या बनाया है। देखिए इधर मेरा खाना रेडी हो गया है, और इधर पोटल का सब्जी हम भाजी बनाया है, और इधर राजमा बनाया है, पतला पतला राजमा दाल। अभी हम इसको उतार देंगे और हम लोग खाएंगे। खा के हम लोग कहाँ जाएंगे जानते हैं आप लोग? हम लोग घूमने जाएंगे दूसरा कॉन्वेंट में, वहाँ सिस्टर लोग के पास जाएंगे अर्जुना। अब हम वहाँ पर आप लोगों को राहड़ का पेड़ दिखाएंगे, राहड़ डाल होता है ना, उसका पेड़ दिखाएंगे। वहाँ पर बहुत सारा हुआ है तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं राहड़ का पेड़ कैसे होता है। आप लोग जानते हैं, बहुत कोई लोग देखा है, फिर भी हम दिखाना चाहते हैं। हम लोग का पेड़ बहुत हुआ है तो देखिएगा। हाँ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छा ही होगा। मैं भी अच्छा हूँ। मैं कहाँ आई हूँ, देखिए ये क्या बोलते हैं, राहर बोलते हैं हम लोग। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम नहीं जानते हम लोग, तो राहर बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? देखिए कितना हुआ है ना, अच्छा लग रहा है ना। हम लोग, हाँ हम लोग का सिस्टर लोग है ना कॉन्वेंट, तो हम लोग आए हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना हुआ है, पूरा पेड़ भर्ती हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है, तो हम लोग इसको देखने आए हैं। हाँ ये वाला तो पकने वाला है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सो नाइस। अच्छा है, हम लोग इधर आए हैं, हम लोग का सिस्टर लोग हैं, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। इधर इधर भी गार्डन अच्छा लग रहा है, देखिए यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है, देखिए फूल लगाए हैं इधर, अच्छा लग रहा है। हम लोग का ये रसला है, इधर वो तालाब है ना, हम लोग का तालाब, आओ उधर देखिए। पपाया कितना सुंदर है, देखो बिन इतना से कोई डर नहीं है। ये डाला है, मछली है, छोटा छोटा मछली है। यहाँ पर देखो मछली है, कितना सुंदर। और इधर आओ, इधर देखिए, इधर यहाँ कितना हुआ है, देखो पूरा भरती है इधर। इधर देखो कितना सुंदर लग रहा है, इसे पूरा भरती है, पूरा है, सिर्फ राहेड़े राहेड़े है। यहाँ पर सिस्टर लगाए हैं, छोटा 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 से तालाब है, यहाँ मछली है, और पूरा राहेड़ का पेड़ है, इसे पूरा पेड़ भरती फल हुआ है। इसको कितना देखो, नदी से दिखा रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। हम लोग का सिस्टर लोग का है ये बोला।
अच्छा लग रहा है। इधर देखिए, बगान है, बगान है, पूरा बगान है, अच्छा लग रहा है। हम लोग इधर आए घूमने के लिए, आप लोगों को दिखाया, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो हम लोग अभी अर्जिनार हम आए थे यहाँ पर, अभी हम लोग घर जाएंगे। और यहाँ पर और भी है, देखिए एक तो चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए, ये हम लोग बोलते हैं, ये वाला होड़े बोलते हैं हम लोग, होड़े क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम नहीं जानते हैं। इसका ये वाला है, इसका पेड़, ये फल है, इसे इसको हम लोग क्या नाम है नहीं जानते, बंगाली लोग क्या बोलते हैं इसको, कैसे क्या नाम है इसका, इसको ये वाला फल को जो लोग ये होता है क्या बोलते हैं रे, जिसका पत्थर होता है, जिसका उर्सो होता है, ये लोग ये वाला बीजा को रात में भिंगा करके सुबह में इसका पानी पीते हैं, ये बीजा का ये रहे, हम लोग होड़े बोलते हैं, बंगाली लोग क्या बोलते हैं हम नहीं जानते, भूल गए हैं इसका नाम, बंगला में क्या बोलते हैं रे नहीं बताइए अर्जुन, इधर है हम लोग का सिस्टर लोग खड़ी है इधर, अभी हम लोग भी जाएंगे, पूरा ठंडा लग रहा है देख रहे हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर हम लोग देख लिया, आप लोग को दिखाया, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ब्लॉग ख़त्म करेंगे। अगर हम लोग का यहाँ पर रहर का पेड़ को आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।